ليش راتي بعد مي उत्त चाले पानी तले जमा हिना पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अज़ीज़ बहन भाई सब खैर खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों आज की शाम जो कि इस टाइम जो 5 बजने वाले हैं और आज की शाम की जो रूटीन में जो वर्क है जो काम है वो काज है वो तो बेगम साहिबा कर रही हैं और जो खाने की फरमाइश है वो उन्होंने मुझे कहा है कि आज ना आपने मुझे ना फ़िश खिलानी है वो भी अपने हाथों की बनी हुई। मैंने कहा अच्छा जी कोई बात नहीं हम खिला देंगे। तो मैं फ़िश ले आया हूँ। फ़िश की बाकी मसाला वगैरह तो बेगम साहिबा ने मुझे बना दिया है। वो तैयारी वगैरह कर रही हैं, ये देख रहे हैं तैयारी वगैरह कर रही हैं। और बाकी बैठना है मैंने सिर्फ चूल्हे पर आके बैठूँगा, फिर जाके सालन बनाऊँगा फ़िश का, फिर आपको दिखाएँगे। कैसे बेगम साहबा आज हमारे हाथ की खानी है फिश? कैसे हैं? मैं ठीक हूँ आपकी दुआओं से। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। आज मैंने रियान साहब के हाथ की फिश खानी है। आज बड़ी फरमाइश के साथ ये ले आए हैं और कह रहे हैं कि मैंने आज आपको बना के खिलानी है। पता नहीं अच्छा अच्छा मैंने कहा इन्होंने खुद कहा जी फिश खिलाओ वो भी अपने हाथ की बनी हुई। ठीक है हाँ अगर जो तेरे को उर्दू नहीं बोलनी आती बिना तो सराय की गाल कर सकती। ठीक है बड़ी जरा तीखे तरीके ना बोले कर। ठीक है हाँ जी अब देखें या मैं जा रहा हूँ चूल्हे पे जाके बैठता हूँ और फिश बनाते हैं। मिसाला वगैरह ये बेगम साहब ने देख ले बना लिया है। अब बार ये आग तो जला दे जा। बेगम साहब जो चूल्हा चालू कर रही हैं ये हमारा पुराना किचन है। ठीक है दस्ती किचन जो हमने बनाया हुआ है। ठीक है और हम यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम यहाँ पे अभी आए हैं बहुत अरसे के बाद तो शिफ्ट हुए हैं। यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह करेंगे वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। यहाँ पे अब मैं बनाऊँगा किचन जो देसी माहौल का किचन जो होता है ना उस तरह का किचन बनाऊँगा मैं। अब ये देख आग लग गई जनाब। गाँव में ऐसे आग जलाई जाती है। अनान भी आ रहा है और हमारे साथ मदद करवाएगा। अनान तू तुसा किधर आंदे पे वे आने तू ना लो भा सी बख गई है। बाकी टमाटर रह गए कटने वाले टमाटर कटे सोना सा ये तवी है तवी ही उत्ते रखे पता कि चूल्हा वड्डा होगा ना तो उनके सेंटर के रख सकते अस देगड़ी वगैरह या अपनी कढ़ाई वगैरह ताकि बेच ना डवे चूल्हे से कोई होना ना बाजू का चूल्हा वगैरह लग रहे घ्यो है।
जो गर्म करेंगे क्योंकि फुल जमा पे सर्दियों का मौसम है ता करके अनान को परा चागने एक कंडा पैथे कंडा लग वैसे देखें जुत्ती क्या नहीं पाती बता भाव फुल भड़क पी है जो हमने डाल दिया इसमें वो डालने के बाद ही आप देखें दोस्तों हमारा घी जो है गर्म हो चुका है अब हमने इसमें डाल दिया प्याज प्याज को हम भुने लगाएंगे उसके बाद जाके फिर बाकी मसाले डालेंगे साथ में प्याजों को भुनी भी आ रही है और बेगम साहब जो है बाकी जो टमाटर काट रहे थे वो काट रही हैं अनान वो देख के तंग कर रहे हैं वो बैठा हुआ है अभी यहाँ से पानी गया है ये पानी आपने इस्तेमाल किया मेरे ख्याल में थाल लीक है बर्तन जो है कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं अभी अनान ने अपना फीटर नीचे फेंका हुआ है अनान खान को क्या हुआ है अनान खान क्या हुआ है दिखा दिखा क्या थी गया पेज का थे ये भी है किते तो क्या है कशक है नहीं कूड़ मरे ने झूठ बोले ने तू ही अशमल जो आए सोई हुई है पींगे में भाई के अनान खान के मक्खियों मक्खियां नहीं धोते एक गर थूम थी क्या बेच सही सूखिया धनिया बेच बेच मिक्स थी आ गया धनिया लहा रहे धनिया लहा रहे इसमें डाल दिए जी हरी मिर्च अपने डिजाइन वास्ते मैं तो आया उठी मेरी हिम्मत तो कम थी गई बाहर क्योंकि धुआं धुआं आई मैं बह नहीं सकता नाले हनान तंग करे ना बेगम साहब बैठी ना उन्होंने मैं कुछ स्पेशल हो सामने कुर्सी भी आंडी थी ना कहते बहते हला प्यारे दोस्तों हमारी जो मच्छी है वो फिश है वो पक चुकी है आप देख सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह माशाल्लाह आपको क्या लग रहा होगा देख के मुँह में पानी तो नहीं आ रहा होगा जी जिसके मुँह में पानी आ रहा है तो जी बिस्मिल्लाह मैं हाजिर हूँ आज हमारी जो फिश है देख रहे हैं ये मुकम्मल तैयार है अब खुरचे का इसका कांटा किसी खोरने वाली थी वो हमने उतार ली अगर आप में से किसी ने खानी है तो जी बिस्मिल्लाह हम हाजिर हैं तो अब बेगम साहब जो है रोटियां पकाएगी आटा उसने गूंदा हुआ है बैठी हैं जैसे हम ये उसको उतार लेंगे उतारने के बाद ये बेगम साहब जी है रोटियां पकानी शुरू कर लेंगे देखें आपको क्या लगता है गिल गई है अंदर से पक गई है ना हाँ पक चुकी है बिल्कुल मुकम्मल तैयार है बेगम साहब अभी खा रही हैं आप भी खाएं और अनान को भी दें अनान आया खाने के लिए ये बेगम साहब खुद नहीं खा रही अनान को भी दे रही है खुद भी खा रही हैं अशमल नहीं उठी अभी तक तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म थी गई हैं सारी जड़ी मच्छी है वो पक गई है हूँ असा पे खाँदे ये सारी मच्छी पक के आ गई है देखो मेरे मुँह तो मैं पानी आता पे हाली मी को मच्छी देने नहीं पे रे हुआ मेरा हिस्सा आता पे चेक कर कि बनी पिए दे असें वाल बूट नहीं भावें सारा ओल अवल मसाला पा करे मैं अशमल आप खादी बच्चे
देखें ख्याल हाल थोड़े देखा मैं कंडे योजन बिच बस है भी ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਏ ਬਈ ਮਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੀਆਂ ਤੈਂ ਖਾਧੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੱਸ ਬਾ ਮੇ ਕੋ ਤੈਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਬ ਤੋ ਆਗੂ ਦੀ ਖਾਈ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਪੱਕੀ ਗਾਲ ਹੈ ਮਜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਪਈ ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਹੈ ਪੀ ਮੂਹ ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ तो इंशाल्लाह हम मिलसूँ नेक्स्ट वीडियो तब तक तुस अपना ख्याल रखे सो अल्लाह हाफिज बाय बाय करो भाई बाय बाय मेरे हाथ प्लेट है तो मैं कि बाय बाय करा मैं ही करता बाय बाय।